मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर लगाया अपना बैन वापस ले लिया है। कोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें इस ऐप पर लगे बैन को हटा दिया गया है। टिकटॉक के लिए यह कितनी राहत की बात है, यह इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि कंपनी को इस बैन से हर दिन करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। कंपनी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था, क्योंकि वह भारत में $1 अरब तक के निवेश की तैयारी कर चुकी थी। आखिर क्यों लगा टिकटॉक पर बैन? टिकटॉक पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट के कारण मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बैन लगाया गया था, जिसके चलते न्यू यूजर्स इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते थे। बैन के बाद 17 अप्रैल को पॉपुलर चीनी ऐप टिकटॉक को भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से हटा दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मोबाइल ऐप टिकटॉक को बच्चों और महिलाओं के अश्लील वीडियो से मुक्त होना चाहिए। SPN 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।